नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपने पुराने घर पे आए हुए हैं। तो पुराने घर पे एक जामुन का पेड़ है, उसी पेड़ से हम तोड़ेंगे जामुन। और वीडियो को हमारे लास्ट देखें, वीडियो अच्छा दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और जामुन का हम बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं जामुन के पेड़ के पास। हम इधर पहुंच गए हैं जामुन के पेड़ के पास। तो आप सब देख सकते हैं कि काफ़ी जो है पुराना पेड़ है, हमारे आजी दादी जमाने का पेड़ है, बहुत ही पुराना पेड़ है। तो इसी पेड़ में जो है काफ़ी जामुन जो है फरे हुए हैं, लटके हुए हैं। तो इसी पेड़ से हम तोड़ेंगे जामुन। ये काफ़ी मीठी वाली जामुन है। अंदर कितना जगह पूरा जामुन जो है काफी ऊंचाई पे है, तो वहाँ पे हमने बांस लिया हुआ है, बांस हमने पानी डाला हुआ है। तो आप सब देख सकते हैं नीचे हमने पानी फैलाया हुआ है। तो बांस चढ़ा रहे हम जामुन को हिलाएंगे और पके हुए जामुन सब जो है गिर जाएंगे। और नीचे हमने पानी बिछाया हुआ है ताकि जामुन जो है मिट्टी के लिए, तो मिट्टी में रहे। तो आप सब देख सकते हैं काफी जामुन जो है पन्नी पे गिर चुका है, तो काफी काले काले जामुन गिर रहे हैं। और इसी तरह हमें जितना होता है अपना जामुन हम पेड़ से हिलाकर गिराएंगे। तो पके पके जामुन है, इसे हम पन्नी से उठाकर थाली में रख लेंगे। तो आप सब देख सकते हैं ये सीजन जो है जामुन का, इसमें बहुत तेजी से चल रहा है। तो काफी जामुन जो है बरसात से पक गए हैं। तो इसका हम रेसिपी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनाएंगे। वीडियो को बार बार लास्ट देखें, वीडियो अच्छा दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो सारे जामुन को जितना होता है हम इकट्ठा कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे जामुन भरे हुए हैं, आप सब देख सकते हैं काफ़ी पककर तैयार हैं खाने के लिए। तो इसका हम बहुत अच्छी और टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। इसमें बारिश हुई है इसलिए पूरे जामुन जो है पक गए हैं। इसे थाली में रख लेंगे। खीर बना देगा अभी जितना हो सकता है उतना जामुन हमने ले लिया है। चल रहे हैं छापे हम बनाएंगे रेसिपी।
तो जामुन को हमने धो लिया है, अब हम जामुन का जो है गूदा निकालेंगे। तो चाकू से हम जो जामुन का गूदा है उसे निकाल लेंगे। बीज को हम एक दूसरे बर्तन में रख देंगे। तो इसी तरह हम जामुन का जो है गूदा उसे हम निकाल लेंगे और बीज को हम अलग रख देंगे। तो काफ़ी मीठा वाला जामुन है हमारे घर। जो जामुन का पीछे वाला जो थोड़ा सा डंठल होता है इसे हम निकाल देंगे। तो इसी तरह हमें जितना होता है उतना हम गूदा निकाल लेंगे जामुन का। जामुन का निकाल लिया है और कुछ जामुन हमने साबुत रखा हुआ है खाने के लिए। और यहाँ पे हमने मिक्सी जार लिया हुआ है, गूदे को हम मिक्सी जार में डाल देंगे। तो दो बार में इसे हम पीसेंगे। तो जामुन के गूदे को हमने डाल दिया, इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच चीनी और इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। बंद कर देंगे। अब इसे हम पीस लेंगे। तो जामुन को हमने पीस लिया है, इसे हम एक बर्तन में रख देंगे। तो इसी तरह हम दोबारा जामुन को फिर पीस के तैयार करेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरे को हमने भूनकर पाउडर बना लिया है। तो ये सभी चीज़ों को हम एक में मिक्स कर देंगे। तो जामुन का शरबत हमारा बनकर तैयार हो गया है। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे हमने गिलास लिया हुआ है, अब हम सर्व करेंगे। सभी ग्लास में हमने जामुन के शरबत को सर्व कर दिया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे बर्फ़। तो बर्फ़ को हमने डाल दिया है। तो आप सब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमारा जो है जामुन का शरबत बना हुआ है। तो बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। तो इस समय जो है जामुन का सीजन चल रहा है। तो हम बचे हुए जामुन में मिलाएंगे भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, अब इसमें डाल देंगे काला नमक। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप सब देख सकते हैं बच्चे जो है हमारे पीछे इंतजार कर रहे हैं जामुन खाने के लिए और शरबत पीने के लिए। और पिए जाओ तो बता जाओ। आओ ले जाओ बाबू। बच्चों ने जो है जामुन का जूस पी लिया है, 1 गिलास हम भी पियेंगे। अब जामुन का जो जूस होता है काफ़ी पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोल दो बेटा। बाय बाय।